हेलो दोस्तों, ग्रीन विजडम चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस वेल जैसे पौधे के बारे में जानकारी देंगे। इस पौधे को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अमृता, गुडुची, छिन्नरुहा, चक्रांगी आदि। इंग्लिश में इसे हार्ट लीव्ड मून सीड कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। इसको अन्य कॉमन नाम गुर्बल और गिलोय भी है। गिलोय का पत्ता पान के पत्ते जैसा दिखता है। यह पौधा जंगलों, खेतों की मेड़ों, पहाड़ों की चट्टानों आदि स्थानों पर सामान्यतः कुंडलाकार रूप में चरती हुई पाई जाती है। इसके साथ साथ गिलोय की लता नीम और आम आदि वृक्ष के आसपास भी मिलती है। गिलोय की लता जिस वृक्ष को यह अपना आधार बनाती है, उस वृक्ष के गुण भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इस वजह से नीम पर चरी हुई गिलोय को श्रेष्ठ औषधि गुण वाली गिलोय मानी जाती है। गिलोय का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और जल्दी ही फैल जाता है। गिलोय के फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं तथा इसके फूल छोटे छोटे गुच्छों में लगते हैं, जो कि गर्मियों के दिनों में जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं तब लगते हैं और उसके बाद ही फल लगते हैं, जो छोटे छोटे मटर के दाने के आकार के होते हैं। गिलोय के कच्चे फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर ये रक्त के समान लाल हो जाते हैं। गिलोय के फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं और इन बीजों से ही नए पौधे उगते हैं। असली गिलोय की पहचान यह है कि असली गिलोय के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और इनका रंग हरा होता है और इसके पत्तों की नसें साफ दिखाई देती है। गिलोय का तना मजबूत और लचीला होता है। जब इसके तने को तोड़ा जाता है तो उसमें से दूधिया सफेद रस नहीं निकलता है। असली गिलोय की छाल हल्के भूरे रंग की होती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। असली गिलोय की जड़ें मोटी और लंबी होती है। इसके साथ असली गिलोय का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। गिलोय का पौधा पेड़ों से अपनी जड़ें निकलकर नीचे की ओर झूलती रहती है। असली गिलोय की पहचान के लिए एक और साधारण सा परीक्षण यह है कि इसके क्वाथ में जब आयोडीन का घोल डाला जाता है तो गहरा नीला रंग हो जाता है। गिलोय का उपयोग विभिन्न बीमारियों से लड़ने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद साहित्य में गिलोय को ज्वर की महान औषधि माना गया है और इसका जीवंतिका नाम भी दिया गया है। गिलोय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। गिलोय का सेवन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस, गिलोय के पाउडर। लेकिन इसके साथ सावधानी, एक असली गिलोय की पहचान करना और सावधानी दो, इसका उपयोग चिकित्सक के सलाह के अनुसार करना चाहिए। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।